तमिलनाडु में कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के किसान विधेयक बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलम भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार के 3 काले कानून को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बिल को किसान विरोधी बताते हुए उसे वापस लेने की बात की। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, उससे केंद्र सरकार को सीख लेना चाहिए और किसानों की जनहितैषी योजनाएं लागू करना चाहिए। आज जब देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, उस परिस्थिति में उन्होंने 3 कृषि बिल पास कराया जो किसानों के हित में नहीं है, इसके विरुद्ध में मोदी सरकार के 3 काले कानूनों को निरस्त करने के संबंध में माननीय श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति महोदय को संबंधित ज्ञापन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसे राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी।